नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस खास अंदाज में मनाना चाहती है। पार्टी की योजना है कि इस दिन हर वर्ग के मतदाताओं को साधा जाए। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण यादव ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में लिखा है कि सभी कार्यक्रमों की जानकारी केंद्रीय कार्यालय को भेजी जाए। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लाभार्थियों से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। वही मंडल स्तर तक कार्यक्रम और प्रदेश से लेकर जिला और मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा और बाइक रैली होगी। प्रदेश भाजपा की ओर से स्थापना दिवस पर 1,00,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर निचले स्तर तक की इकाइयों को सक्रिय किया गया है। वही प्लान की जिम्मेदारी संभाल रहे न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी आ जाएं और नए रिकॉर्ड बन जाएं, यही हमारी कोशिश है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का यहां पर ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा हवा हवाई बातें करते हैं। दो लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं तो वे 2000 बताते हैं। वही विधानसभा चुनाव के दौरान जब भाजपाई कांग्रेस में शामिल होते थे तो सड़कों पर जाम लग जाता था। अब स्थिति क्या है यह सभी जानते हैं। भाजपा की सच्चाई जानना सभी जान चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। दोस्त को मनाने पहुंचे कमलनाथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को न्यू ज्वाइनिंग टोली का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी संजय पाठक को बनाया गया है। दोनों नेता मिलकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। वे 1 जनवरी से 19 मार्च तक 79 दिनों में ही 1 पूर्व मंत्री, 9 पूर्व विधायक, सैकड़ों नेताओं और 12,000 कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हर दिन 200 कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं और ज्यादातर नेता, समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। यह सिलसिला गुरुवार यानी कि 28 मार्च को भी जारी रहा और इस प्रकार अब तक इनकी संख्या 17,000 के पार निकल चुकी है।